शहर की हर गली में मौत का पैगाम लिखा है, जाने कौन सी गोली पे मेरा नाम लिखा है। मैं जब भी मिलता हूँ अपने प्यारों से, सोचता हूँ अब नहीं मिल पाऊंगा, ये चांद चेहरे फिर नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि शहर की हर गली में मौत का पैगाम लिखा है, जाने कौन सी गोली पे मेरा नाम लिखा है। 18 दिन में 137 हलाकतें, पता नहीं ये बेखबरी है, लापरवाही है या सियासी मसलहत के कराची के शहरियों को अंधी गोलियों और नामालूम कातिलों के रहमोकरम पर छोड़ दिया गया है। क्या इस शहर का कोई पुरसाने हाल है? अम के दावे और वादे कब पूरे होंगे, कैसे पूरे होंगे और कौन पूरा करेगा, इसी पर प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी की रहनुमा शैला रजा साहिबा और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा रशीद गोरियल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम जी। शैला रजा साहिबा, आपसे मैं शुरू करूंगी। शैला रजा साहिबा, कराची में 16 दिन में 137 हलाकतें, 137, क्या ये हुकूमत की नाकामी है? क्या हुकूमत आवाम को तहफ़ देने में नाकाम हो चुकी है? देखिए, सबसे पहले तो शुक्रिया, और एज ए स्पीकर मैं सिंध की, और ख़ास तौर पर जब हम सिंध में कराची की तरफ आए, इस किस्म की बातचीत में हिस्सा नहीं लेती, और मैंने ये कहा भी था आपसे, लेकिन मुझसे बताया गया कि कोई और टॉपिक है। बहरहाल, तो अब आपने जब नहीं था है, तो टॉपिक तो बात कराची पे ही कर दी है। नहीं, मुझे यही बताया, नहीं मुझे नहीं बताया गया था, वरना मैं नहीं आती हूँ, और हर तरह की अच्छा। एक पॉलिसी होती है। तो बात यह है कि जब हम बात करते हैं कराची की, तो अब यहाँ की आबादी बहुत अरसा हुआ 2 करोड़ नहीं, अब यहाँ 3 करोड़ हो चुकी है। यहाँ का जो मौसम है, यहाँ पे जो रोज़ाना के हिसाब से आबादी बढ़ रही है, उसमें बहुत सारे मसाइल हैं। यहाँ के मौसम में हर एक को माश मिल जाता है, लोगों के लिए काबिल बर्दाश्त है। तो उसमें मैं ये समझती हूँ कि पुलिस नाकाम नहीं है। हम रोज़ाना आप ही के चैनल से देखते भी हैं कि टारगेट किलर्स पकड़ने की खबर भी आप दिखाते हो, उनके पुलिस को भी दिखाते हो कि हथियार बरामद किया। लेकिन मेरी अभी कोई एक हफ्ते पहले होम सेक्रेटरी से मुलाकात भी हुई, तो उनसे जब बातचीत हुई, तो एक बातचीत में उन्होंने मुझे ये भी बताया कि 73% कोर्ट से इक्वर्टल भी है। तो ये भी एक वजह है जी। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि हमें ये देखना चाहिए कि जो आईजी साहब का बयान है कि क्या हर मर्डर टारगेट किलिंग है, या हम सिर्फ अपनी खबरें बनाने के लिए कर देते हैं, जैसे आज औरंगी टाउन में एक औरत की लाश भी मिली है। लेकिन उसके बावजूद मैं ये समझूंगी कि मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जब किसी का भी घर से किसी का कोई जनाजा उठता है, उस घर का बहुत नुकसान है, हमेशा का नुकसान है, पूरा खानदान तबाह हो जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है साहिबा, बहुत सारी मीटिंग्स हो रही हैं, कराची की लॉ एंड ऑर्डर पे बात हो रही है, सिक्योरिटी के हवाले से बात हो रही है। मैं रशीद गोरियल साहब की तरफ जाना चाहूंगी। आपने कहा कि ये नाकामी नहीं है, तो फिर एक तो ये बता दीजिएगा कि नाकामी किस चीज को कहते हैं, और दूसरा मैं जी शैला साहब आप कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ, मैं ये कहना चाह रही थी कि इतने बड़े शहर में जहाँ पे 123 थाने हैं, वहाँ पे हमें ये देखना है कि कुछ मखसूस इलाकों में क्या हो रहा है, और हमें ये देखना पड़ेगा कि जब हम ये कहते हैं हर आदमी की किसी ना किसी से एफिलिएशन है पॉलिटिकल, तो हम लाश को जब अपना झंडा उड़ाते, तो हम ये क्यों नहीं समझते कि हमारे इस वर्कर ने ऐसा क्या सियासी काम किया कि किसी ने इसको जान ले ली। ठीक है, ये इसकी जान लेने से पहले मैं आपकी बात, आपका पॉइंट आ गया मुझे समझ। मैं रशीद गोरियल साहब को भी जरा शामिल कर लूं। रशीद गोरियल साहब, कराची की आवाम कातिलों, भत्ताखोरों, चोरों, लुटेरों, डाकुओं के रहमो करम पर है, क्या आपको कराची में हुकूमत नजर आती है? क्या बोला, सवाल दोबारा रिपीट कीजिएगा। मैं ये कह रही हूँ कि कराची के जो आवाम हैं, वो ये भत्ता खोरों, लुटेरों, चोरों, इनके रहमो करम पे हैं, क्या आपको कराची में हुकूमत नजर आती है? बहुत शुक्रिया बाद साहबा। मसला कराची में यह है कि भत्ता खोर टारगेट किलर घूमते फिर रहे हैं, और पुलिस से, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से रॉकेट लॉन्चर देखते हैं, दस्ती बम देखते हैं, आपके मीडिया ने भी दिखाया, पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी और पुलिस नाकाम लौट के आई, और उसके बाद वो रैलियां निकालते हैं, रैलियों की कायदत करते हैं और तकरीरें करते हैं, और 4000 पुलिस वाले उनकी उस रैली की हिफाजत करते हैं।
तो सवाल ये पैदा होता है कि ये किसकी जिम्मेदारी, हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है, स्टेट की जिम्मेदारी है कि आम आदमी। रशीद गोडियल साहब देखिए, हुकूमत मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, हुकूमत का मतलब ये है कि जो लोग इख्तदार में हैं और जिनके पास पावर है, ठीक है, जो लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं। और आप लोग, मेरे ख्याल में आप लोग भी हुकूमत में हैं, आपके पास भी इख्तियार है, आप ये तमाम बातें करके खुद को इन हालात और वाकयात और मामलात से अलहदा नहीं कर सकते। पारिस साहबा, हमारे पास मैंडेट है, इख्तियार नहीं है। जिनके पास इख्तियार है उनके पास यहाँ मैंडेट नहीं है, पहले क्लियर तो इस बात को कर लेना। और जहाँ तक बात है बत्तखोरी की, वही पुरानी बात के हाथ पांव बांध कर समंदर में फेंक दिया और कह रहे हैं तैरो। फिनिश पारिस साहबा, बहुत आपकी मेहरबानी होगी, मुझे बात कम्प्लीट करने दें, बात में देना प्लीज। तो बत्ताखोरी पे आवाज उठाने वाले और बत्ताखोरी के ताजे हजार परेशान है, इस वक्त कराची से कारोबार छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। इस मुल्क का रेवेन्यू देने वाला शहर 68% 70% रेवेन्यू जनरेट करने वाला पाकिस्तान का बिजनेस कैपिटल कराची है, उसके लोग परेशान है। हम उनके साथ खड़े हुए, कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं, कल भी खड़े होंगे इनके साथ। और बत्ताखोरी पे हमने आवाज उठाई है, हमने गवर्नमेंट को बार बार मुतनवे किया कि इन पे जहाँ जहाँ कोई भी अगर इनको इन्फ्लुएंशियल किसी भी सियासी पार्टी में है उनको हटाएं और उसको पाबंदी से हासिल करें। आज भी प्राइम मिनिस्टर को फोन किया गया है, सदर साहब को फोन किया गया है, इसी बारे में किया गया कि कराची में टारगेट किलिंग बढ़ गई, बत्ताखोरी बढ़ गई। कल फैक्टर भी एरिया में सीमेंट डिपो पे बम फेंका गया, अब बम फेंके जाएंगे बार साहबा और टारगेट किलिंग की जाएगी तो दुकानदार हजरात, कारोबारी हजरात तो बत्ता देने पर मजबूर हो जाएंगे, तो उसको रोकेगा। रशीद गोडियल साहब, आपकी सारी बातें ठीक है, मुझे ये बता दीजिए, इतने रिजर्वेशन हैं, आप इतना कुछ करें, आप हुकूमत में भी हैं, आपने कहा हमारे पास इख्तियार नहीं है, छोड़ देना हुकूमत, फिर आप हुकूमत में भी हैं, फिर इख्तदार का मजा भी लेना है, लेकिन आप कह रहे हैं इख्तियार भी नहीं है। और हुकूमत छोड़ने से क्या मसले मसाइल हल हो जाएंगे? हम तो बार बार दाना दोस्त की तरह समझाते हैं, हुकूमत में रहते हुए भी नहीं आप कर पा रहे हैं, प्रोवाइड करते हैं। मेरी बात कम्प्लीट करने दें, मतलब ये हुकूमत छोड़ने सारे मसाइल हल हो जाते हैं तो मैं आधे घंटे बाद हम हुकूमत छोड़ देते हैं फिर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अगर हम बैठ के पीपल्स पार्टी और एमकेएम बैठ के अगर तो उसकी राह निकालते हैं, उन बत्ताखोरों को कंट्रोल करते हैं या टारगेट किलो कंट्रोल करते हैं, तो ये दोनों लिबरल पार्टी ही कर सकती है ना, इसके अलावा तो कोई नहीं कर सकता। ठीक है, ठीक है, आपने कहा कि हुकूमत में छोड़ दें, हम छोड़ देते हैं, कुछ नहीं होगा। मैं शैला रजा साहिबा की तरफ जाऊंगी, लेकिन एक बात और बता दीजिएगा कि अगर आप छोटी छोटी बातों पे जो भी होती हैं, आप अगर हुकूमत से अलहदा उस पर होते हैं, तो रोज कराची में रशीद गोडियल साहब आप देखिए 9, 10, 11, 12 ये मरने वाले आवाम, ये कीड़े मकोड़े, इनकी कोई तो अहमियत होगी ना, कुछ तो किया जाना चाहिए ना। इतना लफ्जों में हेर फेर करके बात कर रही है, हमने तो जितनी आवाज उठाई है, हमने बत्ताखोरों में जब ताजरों ने हड़ताल की तो हमने एमकेएम ने साथ दिया, गवर्नमेंट को लेटर लिखे, सिंध गवर्नमेंट को लेटर लिखे, उनको समझाया, उनको लिस्टें प्रोवाइड की। लोगों ने देखा कि जब एक जगह ऑपरेशन हुआ, रॉकेट लॉन्चर फेंके गए, बम गिराए गए, पुलिस वापस आई, रेंजर्स की गाड़ियों पर गोलियां मारी गई और रेंजर्स की गाड़ियों पर हमले हो रहे हैं, पुलिस पे हमले हो रहे, तो वो क्रिमिनल इतने ताकतवर हो गए ना, अगर ताकतवर हुए तो कोई ना कोई पीछे तो कारफरमा होगा ना उसके। हम ये कहते हैं कि ताकत के पीछे तो है उसको हटाए और सबके साथ एक ही रवैया रखते हैं, अगर क्रिमिनल क्रिमिनल होता है, वो किसी जबान नहीं होती, मसलक नहीं होता, मजहब नहीं होता, क्रिमिनल क्रिमिनल है। ठीक है, शैला रजा साहिबा, आपने रशीद गोडियल साहब की बात सुनी, कल परसों मेरे प्रोग्राम में एएनपी के बशीर जान साहब भी मौजूद थे, वो भी कह रहे थे जब लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल के हवाले से वो पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है उससे थोड़े से खाइफ, थोड़े से नाराज नजर आ रहे थे। अभी आपने देखा कि रशीद गोडियल साहब भी, यानी कि एमक्यूएम जो है वो भी जब लॉ एंड ऑर्डर का मामला आता है तो खुद को थोड़ा सा अलग कर लेती है और तमाम की तमाम जो जिम्मेदारी है वो आप लोगों के ऊपर आ जाती है। क्यों, ये आपके साथ इक्तदार में है, कोएलिशन पार्टनर्स हैं, लेकिन इस मामले पर ये अलग हो जाते हैं? देखिए बात ये है, मैंने कहा पीपल्स पार्टी और एमकेएम दोनों लिबरल पार्टी है, दोनों बैठ के इसकी हैं, लेकिन वो कौन से अवामिल है जो पुलिस को काम करने नहीं देते या पुलिस में भारी पड़ते हैं? अब साहब का जवाब सुन लीजिएगा, रशीद साहब, फिर मैं दोबारा आपकी तरफ आती हूँ। जी शैला, मैं ये समझती हूँ कि बहुत ही अफसोस की बात है कि अगर हम अपनी किसी भी जिम्मेदारी को उठा के दूसरे शोल्डर पर डाल दें और बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग के साथ पुलिस तैनात की जाती है और इलाकों में जिम्मेदारों का ये फ़र्ज है कि अपने इलाके की पुलिस के साथ मिल कर देखें। अब बहुत सी हर जगह कराची में जहां टारगेट किलिंग हो रही है या पर्चियां जा रही हैं या दस्ती बम से हमले हो रहे हैं, वहां हर जगह, मैं ये नहीं कहूंगी कि लियारी से उठ के बंदा जा रहा है और ये कर रहा है, हर जगह मौजूद है या जहाँ पे हो रहा है। बात यह है कि हम बातें बहुत अच्छी करते हैं के अक्रॉस द पार्टी होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन जब होता है तो मैं समझती हूँ कि इस तरह नहीं होता। जब वो पेश होते हैं लोग अदालतों में,
तो उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, क्योंकि जो एविडेंस देना चाहे भी तो उसे जिंदा रहने का हक नहीं मिल सकता इस माशरे में, क्योंकि उसके घर भी इधर ही हैं और इंसाफ देने वालों के घर भी शहर में ही मौजूद हैं। तो ये बातें अब किताबी सी लगने लगती हैं मुझे, जब मैं एक आम आदमी की तरह करती हूँ इन सारी बातों का तजिया। अगर मैं सियासतदानों की तरह करूँ तो मैं समझती हूँ कि ये इंसाफ नहीं होगा। जहाँ इतनी पुलिस मौजूद है, जहाँ रेंजर्स पे भी हमले हो रहे हैं, तो हमें इसमें बहुत सारे अवामिल को भी देखना है। एक तो सियासी मसला है,